दोस्तों, ये एक ऐसा दौर चल रहा है जहां न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के हर देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज आलम ये है कि कई राज्यों को फिर से हफ्ते या दो हफ्ते की अवधि के लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ रहा है और आम लोगों के साथ साथ इस खतरनाक वायरस के शिकार बॉलीवुड और टेलीविजन के कई सितारे भी हो रहे हैं। टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनसनी सी मच गई है और इनके बाद अभिनेत्री रेखा की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक्टिंग की दुनिया में इसका कहर और बढ़ता जा रहा है और अब टीवी इंडस्ट्री में इसका कहर भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है, जिसके लिस्ट में कई टीवी एक्ट्रेस के नाम शामिल हो चुके हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही कलाकारों के बारे में बताने वाले हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, दीपिका सिंह मदर। सीरियल दिया और बाती हम में संध्या राठी का किरदार निभाकर हर घर में प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री दीपिका सिंह ने हाल ही में बताया कि उनकी 59 वर्षीय माँ कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जो कि दिल्ली में रहती थी और इनका इलाज दिल्ली में ही चल रहा है, लेकिन अब खबर है कि उनकी तबीयत में सुधार है और वो ठीक होकर अपने घर वापस आ चुकी है। टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने ट्विटर पर अपने फैंस के साथ ही खुशखबरी शेयर भी की और अपने फैंस का शुक्रिया भी अदा किया। इतना ही नहीं, दीपिका ने दिल्ली सरकार को भी मदद के लिए धन्यवाद कहा है। नंबर 4, अदिति गुप्ता। इश्कबाज सीरियल से मशहूर हुई अभिनेत्री अदिति गुप्ता भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। कुछ समय पहले ही अदिति गुप्ता का कोरोना टेस्ट करवाया गया था और इनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इस बात का खुलासा खुद अभिनेत्री अदिति गुप्ता ने किया है। अदिति गुप्ता ने बताया कि वो लगभग एक हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव हैं और अपने घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन में रह रही हैं। अदिति के मुताबिक उन्होंने घर में सेल्फ आइसोलेशन में रहना ही सही समझा, क्योंकि घर पर उनके परिवार वाले उनकी अच्छे से देखरेख कर सकते हैं। नंबर 3, मोहिना सिंह। टीवी इंडस्ट्री का बेहद पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नक्श की पत्नी और कार्तिक की बहन कीर्ति मनीष का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मोहिना कुमारी सिंह भी कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। हालांकि अब इनके फैंस के लिए अच्छी खबर आ रही है। मोहिना के कोरोना के पॉजिटिव आने के एक महीने बाद ही रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी मोहिना अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। हाल ही में इन्होंने अपने इंस्टा पर एक फोटो शेयर कर अपने फैंस को अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी भी दी है। एक्ट्रेस ने जो फोटो शेयर किया है उसमें वो पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रही हैं और इस फोटो में उनके साथ दो डॉक्टर भी मौजूद हैं। नंबर 2, श्रेनु पारेख। कोरोना वायरस के मरीजों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो चुका है। दरअसल सीरियल इश्कबाज में ओंकार सिंह की पत्नी गौरी कुमारी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस श्रेनु पारेख ने पोस्ट शेयर कर फैंस को बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कुछ समय से वो शूटिंग से दूर नजर आ रही थी, अब जाकर उन्होंने पोस्ट शेयर कर बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही हैं। नंबर 1, पार्थ समथान। बॉलीवुड टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी के में अनुराग बासु की भूमिका अदा करने वाले अभिनेता पार्थ समथान भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इससे पहले इन्होंने अपने फैंस के साथ डिप्रेशन को लेकर भी बात की थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि लॉकडाउन के समय वो किस तरह से डिप्रेशन में आ गए थे। इस दौरान उनके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग घर कर गई थी, जिसके चलते वो काफी परेशान थे। पार्थ समथान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपने डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई के बारे में खुलकर बात की थी और अब डिप्रेशन की लड़ाई के बाद उनके सामने एक और मुश्किल चुनौती आ खड़ी हुई है। अब ये कोरोना के शिकार हो गए हैं और हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे टीवी इंडस्ट्री के इन कलाकारों के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और धमाकेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।